हेलो फ्रेंड्स, डीके सिन्हा दिस साइड। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है कि आप ट्रेडिंग करके पैसा तो कमा सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग में दक्षता हासिल कर चुके हैं, टेक्निकल एनालिसिस में दक्षता हासिल कर चुके हैं तो पैसे तो कमा सकते हैं, लेकिन जहां तक वेल्थ क्रिएशन की बात आती है किसी स्टॉक में निवेश करके, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करके ही फंडामेंटली साउंड बिजनेस के स्टॉक को हम सेलेक्ट करके एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में जब देखते हैं तो वेल्थ क्रिएशन की प्रक्रिया बनती हुई नजर आती है। तो आज इस वीडियो में, इस वीकेंड में हम ऐसे ही एक स्टॉक की चर्चा करेंगे और वो स्टॉक है एशियन पेंट्स का शेयर। इसकी लिस्टिंग एनएससी के ऊपर में January 1999 में, और तब से लेकर जब मार्केट क्लोज हुआ 22 जून को 2023 में, इस स्टॉक ने 171.40 टाइम्स का रिटर्न दिया। यानी 1 लाख रुपए अगर निवेश किए होते लिस्टिंग के समय में, जो भी ओपनिंग प्राइस थी, तो अभी तक वो 1.71 करोड़ रुपीस हो जाते। ये है वेल्थ क्रिएशन की प्रोसेस। तो क्या एशियन पेंट के शेयर्स में अभी भी वो पोटेंशियल नजर आ रहा है? हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन हमें किस दिशा में इंडिकेट कर रहे हैं? क्या अभी भी हम स्टॉक के बारे में विचार कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए और वेल्थ को क्रिएट करने के लिए? तो आज इस बात के ऊपर में हम चर्चा करें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो आज एशियन पेंट के शेयर के ऊपर में हम ब्रॉड फंडामेंटल्स को चेक करेंगे और उसके बाद प्राइस चार्ट पे चलेंगे, जहां एशियन पेंट शेयर की मल्टी टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझेंगे और आने वाले भविष्य में क्या संभावनाएं बन सकती हैं, क्या एशियन पेंट शेयर का प्राइस टारगेट हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एशियन पेंट्स के शेयर का एक ओवरव्यू लेते हैं। अगर इसका पायस्ट्रॉकी स्कोर देखें तो वो 8 है out of 9, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स को ये इंडिकेट करता है। अगर पिछले 1 साल में स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखें तो निफ्टी 50 को मार्जिनली आउट परफॉर्म किया है 1% से, तो ये पॉजिटिव अल्फा स्टॉक है। वहीं अगर इसके रिलेटिव परफॉर्मेंस को चेक करें पिछले 3 महीने के परफॉर्मेंस के आधार पर, तो इसने निफ्टी 50 बेंचमार्क इंडेक्स को 5.9% से आउट परफॉर्म किया है, तो परफॉर्मेंस तो अच्छा नजर आया है। अगर इसकी वॉलेटिलिटी को चेक करें तो पिछले 1 साल के दौरान में निफ्टी 50 के प्रति इसका जो बीटा है वो 0.53 है, सिर्फ 0.53। इसका तात्पर्य है कि ये बहुत कम वोलेटाइल स्टॉक है, और ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म पोजिशनल व्यू हम किसी स्टॉक में लेना चाहते हैं तो बेहतरीन स्टॉक होते हैं, क्योंकि रिस्क को मैनेज करना आसान होता है। अब एक नजर डालते हैं कि यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में पिछले रिपोर्टिंग क्वार्टर में क्या परिवर्तन आया है, जिससे हमें मार्केट के रुझान का पता लगेगा। क्योंकि जब मार्केट में इंस्टीट्यूशनल मनी या स्मार्ट मनी फ्लो करती है तो वो एक ईंधन की तरह मार्केट में काम करती है और स्टॉक के ऊपर जाने की संभावना काफी प्रबल हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स होल्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं आया है, वो 52.63% पर मार्च क्वार्टर एंडिंग 2023 में स्टैंड कर रही है। अब यहां पे फर्दर देखें तो प्रमोटर्स ने अपने 0.21% शेयर उनकी टोटल होल्डिंग में से अनप्लेज किया है, तो वो प्लेज जो है घट के आ जाता है 7.41% पर। इसके अलावा अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या एफपीआई की बात करें तो इन्होंने करीब 20% के आसपास, अगर रेंज देखें तो 18% से 20% के रेंज में अपनी होल्डिंग को रखा है मार्च 2021 से, लेकिन पिछले रिपोर्टिंग क्वार्टर में ये होल्डिंग घटी है
18.11% से 17.0% हो गई है। लेकिन म्यूचुअल फंड में देखें तो कंटिन्यूअसली होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है और म्यूचुअल फंड ने पिछले रिपोर्टिंग क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है 3.67% से 3.7%। तो ये देखिए होल्डिंग इन जनरल म्यूचुअल फंड में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब एक नजर डालते हैं एशियन पेंट्स के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो ये स्टैंड करती है 25.5%। अब इसको दो एंगल से हम देख सकते हैं, एक तो इंडस्ट्री का जो आरओई है वो 12.6% है, उससे काफी बेहतर आरओई है, और प्लस आरओई जो है ये केवल 15% से ऊपर नहीं है, ये इनफैक्ट 20% से ऊपर है, जो एक अच्छा एक्सेलेंट माना जाता है। आरओई की बात करें रिटर्न ऑन असेट्स की, तो रिटर्न ऑन असेट्स 16% है जबकि इंडस्ट्री का 8.4% है। तो यहाँ भी परफॉर्मेंस इसका अच्छा नजर आ रहा है। अब अगर आरओसी की बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसका लास्ट ईयर का आरओसी जो है वो 30.5% है, जो बहुत एक्सीलेंट है दोस्तों। 3 साल पहले ये 28.7% था, तो इसका मतलब आरओसी में भी इम्प्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। अब एक नजर एशियन पेंट्स के फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करते हैं, तो अगर हम फाइनेंशियल पोजीशन एनालिसिस करें तो इसका जो शॉर्ट टर्म असेट है वो 165.35 बिलियन रुपीज है, और जबकि लाइबिलिटीज जो है शॉर्ट टर्म वो है सिर्फ 78.96 बिलियन। तो यहां पर लाइबिलिटीज काफी कम है, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज तो और भी कम है 14.56 बिलियन। इसका मतलब जो इसका शॉर्ट टर्म असेट है वो काफी अधिक है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से, तो फाइनेंशियल हेल्थ इसकी अच्छी नजर आ रही है। वहीं अगर आप डेट इक्विटी रेशियो पर नजर डालें तो इसका करंट डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 5.9% है। इसका तात्पर्य है कि कंपनी के पास टोटल डेट से कैश कहीं अधिक है। इसके अलावा डेट का जो ट्रेंड है, यहाँ देखिए ये ब्लू कलर की लाइन जो है इक्विटी को रिप्रेजेंट करती है और रेड कलर की लाइन ये डेट को रिप्रेजेंट करती है। काफी वाइडेंड गैप है, माने इक्विटी फार एक्सीड कर रही है डेट के कंपैरिजन में। तो डेट भी जो है पिछले 5 साल में घटता हुआ नजर आ रहा है, 6.1% से 5.9% डेट हो गया है। वहां डेट कवरेज की बात करें तो इसका डेट जो है प्रॉपरली कवर्ड है ऑपरेटिंग कैश फ्लो से, और जो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है डेट के ऊपर में वो भी कंसर्न का इशू नहीं है, क्योंकि वो अर्निंग से प्रॉपरली कवर्ड है। अब एक नजर डालते हैं कि इसका फ्यूचर में ग्रोथ का एस्टिमेट क्या है, फोरकास्ट क्या है। तो यहां देखें इसकी एनुअल अर्निंग्स जो है वो 13.9% से ग्रो करने की संभावना है, जो इंडस्ट्री की ग्रो करने की संभावना है 15.8% से, तो उससे थोड़ा कम है। वहीं अगर एनुअल ग्रोथ की बात करें रेवेन्यू फ्रंट पे तो 10.6% से रेवेन्यू ग्रो करने की संभावना है, जबकि इंडस्ट्री का 10.1% से ग्रो करने की संभावना है। तो ओवरऑल ग्रोथ फोरकास्ट भी ठीक नजर आ रहा है। फ्यूचर में आरओई का रिटर्न ऑन इक्विटी का एस्टिमेट क्या है, तो वो है 29.2%, जबकि इंडस्ट्री का है सिर्फ 12.6%। तो यहां पर फ्यूचर ग्रोथ फोरकास्ट भी एशियन पेंट के काफी फेवरेबल नजर आ रहा है। अब एक नजर डालते हैं डिविडेंड यील्ड पर, क्योंकि दोस्तों जब हम किसी स्टॉक में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और अगर हमें कुछ डिविडेंड भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा होता है। तो इसका करंट डिविडेंड यील्ड जो करीब है 0.8% है, तो ये भी एक ठीक नजर आ रहा है, बहुत एक्सीलेंट तो नहीं बोलेंगे बट अच्छा नजर आ रहा है। अब एक नजर डालते हैं एशियन पेंट्स के स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस पर वैल्यूएशन में कैसा नजर आ रहा है। तो सिंपली वॉल स्ट्रीट ने इसकी जो फेयर पी रेशियो को कैलकुलेट किया है प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स को, वो है 28.4, जबकि करंट पी जो है इसका है 75.9। तो ये एक्सपेंसिव तो स्टॉक नजर आ रहा है, शायद मार्केट इसे प्रीमियम देता है और इसीलिए पी रेशियो काफी अधिक नजर आ रहा है। हिस्टोरिकली भी देखेंगे पिछले 10 साल के दौरान में तो इसका पी नॉर्मली ज्यादा ही नजर आया है।
वहीं अगर इसे कंपेयर करें इंट्रेंसिक वैल्यू से करंट मार्केट प्राइस को या फेयर वैल्यू प्राइस से, तो यहां भी ये एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। तो अभी तक हमने एशियन पेंट्स की जो एनालिसिस की उसमें ब्रॉड 6 पैरामीटर्स को चेक किया, और अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में पॉजिटिव आउटलुक नजर आ रहा है। पास्ट परफॉर्मेंस अगर चेक करें एशियन पेंट का तो उसका आउटलुक भी पॉजिटिव है। फ्यूचर ग्रोथ एस्टिमेट जो है वो भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। फाइनेंशियल हेल्थ जो है कंपनी की वो भी पॉजिटिव नजर आ रही है, और डिविडेंड यील्ड भी, कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो ये 5 पैरामीटर्स में आउटलुक पॉजिटिव है। केवल एक आउटलुक हमें नेगेटिव मिला और वो था वैल्यूएशन, जहां पर स्टॉक एक्सपेंसिव नजर आ रहा है करंट मार्केट प्राइस पे। स्टॉक मार्केट में जब हम स्टॉक का चयन करते हैं, किसी शेयर का चयन करते हैं, तो एनालिसिस करने का उद्देश्य क्या रहता है दोस्तों, कि उसमें हम कितने वेट ऑफ एविडेंस को पता लगा सकें, कितनी बातें पॉजिटिव हैं वो जान सकें, और अधिक बातें अगर पॉजिटिव नजर आती हैं उसे ही तो पॉजिटिव कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। और इसीलिए हम फंडामेंटल पैरामीटर्स को चेक करते हैं और उसके बाद प्राइस चार्ट पर चलते हैं, यहाँ पर टेक्निकल पैरामीटर्स को चेक करते हैं। तो चलिए अब स्ट्रेट अवे चलते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में, जहाँ एशियन पेंट्स की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। एशियन पेंट्स के शेयर की हम मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और टॉप डाउन अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे, ताकि प्राइस एक्शन को, हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को हम बेहतर तरीके से समझ सकें। अब इस स्टॉक को अगर प्राइस चार्ट को देखें, ये हम पहले मंथली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं, और मैं ये एनालिसिस तब कर रहा हूँ और वीडियो का निर्माण कर रहा हूँ जब मार्केट 23 जून को लाइव है, मतलब वीक का लास्ट दिन है 23 जून को। तो लाइव मार्केट में मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो एक सेकुलर ट्रेंड जो है वो क्लियर कट बुलिश नजर आ रहा है। जब भी करेक्शन होता है, लेकिन करेक्शन के बाद मार्केट फिर एक नया हाई बनाता है, हायर हाइज एंड हायर लोस का ये मार्केट स्ट्रक्चर सालों से चलता हुआ चला आ रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अगर आप इस चैनल को ट्रैक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो इस एशियन पेंट के ऊपर में पहला वीडियो इस चैनल पे आया था, वो आया था 3 फरवरी 2020 को, जब ये स्टॉक करीब 1800 के आसपास में ट्रेड हो रहा था। और ये वीडियो क्यों आया था, जब ये मासिव कंसोलिडेशन बैंड का ब्रेकआउट हुआ था, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी उस वक्त पे नजर आ रही है। और अगर हम देखें तब से इस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है, अगर हम यहाँ से इसको प्रोजेक्ट करें तो इस स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है, करीब 80-81% का तब से रिटर्न दिया है। इसके बाद वैसे कई रिव्यू वीडियो चैनल के आए समय समय पे, जैसे आज हम फिर इस वीडियो का निर्माण कर रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, पहले ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें, प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, प्राइस ने फिर यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, और इसके बाद अगर मैं ये सपोर्ट को और आगे एक्सटेंड करूं तो आप क्या देखते हैं, वंस अगेन प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखा रही है। इसका तात्पर्य क्या हुआ दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन जो है ये वैलिड है 2011 से, मतलब करीब 12 सालों से ये ट्रेंड लाइन को प्राइस रिस्पेक्ट कर। तो ये ट्रेंड लाइन क्या इंडिकेट करती है, ये ट्रेंड लाइन वैल्यू जोन को इंडिकेट करती है, जहां तक टेक्निकल एनालिसिस का सवाल है, कि जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास में आए और कोई भी बाउंस बैक नजर आए, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हो, तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम प्राइस चार्ट को और गौर से देखें तो हम क्या देखते हैं, कि यहाँ पर मूविंग एवरेज को ध्यान से देखिए, ये ग्रीन कलर की मूविंग एवरेज EMA 21 है, और ये ब्लू कलर की जो मूविंग एवरेज है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 है। गौर से देखें अगर, तो ये स्टॉक केवल इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ये स्टॉक EMA 21 पे सपोर्ट लेता है,
ये देखिए ईएमए 21 पे ये सपोर्ट लेता है, तो ईएमए 21 वंस अगेन प्राइस ने ईएमए 21 से नीचे गई प्राइस, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। तो ईएमए 21 जो है लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, जो अपने आप में एक वैल्यू जोन है। तो यहां पर क्या देख सकते हैं, जैसे यहां पर प्राइस ईएमए 21 के नीचे आई और उसके नेक्स्ट मंथ में ही क्या हुआ, एक बुलिश कैंडलस्टिक बन गई और प्राइस ईएमए 21 के ऊपर में क्लोज हो गई। तो इस स्टॉक को दो एंगल से देखा जा सकता है। फ्रेश एंट्री का टाइम कब मिलता है, जब प्राइस कभी भी ईएमए 21 के नीचे आके बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण करे और वो ईएमए 21 के ऊपर क्लोज हो जाए, जैसा इसने यहां किया और उसके बाद यहां पर वैसा किया। इस जगह पे देखें तो फिर से वैसे ही इसने कुछ किया है रिसेंट टाइम में। अब मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा एनलार्ज करता हूं ताकि आप प्राइस एक्शन को बेहतर तरीके से समझ सके। अब मैं इस पोर्शन को एनलार्ज करता हूं, ये देखिए मैंने एनलार्ज किया, यहां पर गौर से देखिए, यहां पर इसने लाइफ टाइम हाई बनाया, मल्टीपल टॉप का फॉर्मेशन किया, मैंने 3500 के आसपास में एक मेजर सप्लाई एरिया था जहां पे प्राइस पहुंचती थी और मानो सेलर्स बैठे थे सेल करने के। तो यहां पे खतरा क्या बना, क्या ये डबल टॉप के बाद में ये जो लोएस्ट पॉइंट है डबल टॉप का, इसका ब्रेकडाउन होगा? अगर ब्रेकडाउन होता तो बहुत डीपर करेक्शन हो सकता, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस था हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन, जहां पर प्राइस बार बार ईएमए 21 पे सपोर्ट लेती है। फिर यहां पर देखिए प्राइस ईएमए 21 के नीचे आई और एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन एब्सोल्युटली नेक्स्ट मंथ में हो गया, फरवरी 2023 में। प्राइस स्ट्रगल करती रही ईएमए 21 के नीचे में और क्लोज नहीं दे पा रही थी, लेकिन फाइनली पिछले महीने में मई महीने में ये ईएमए 21 के ऊपर में क्लोज हो जाती। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का जो खतरा मंडराया था वो खतरा टल गया और प्राइस ने अल्टीमेटली हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन के अनुसार जो ट्रेंड लाइन थी उसे रिस्पेक्ट किया, यहां पर ईएमए 21 के ऊपर फिर प्राइस चली गई। तो इस बार संभावना काफी प्रबल है, आप अगर यहां देखें तो प्राइस इस रेंज में ट्रेड हो रही है। तो ये स्टॉक पिछले समय में एक रेंज ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा था, जहां करीब इसमें 2600 पे एंट्री कीजिए और करीब 3400-3500 पे प्रॉफिट बुक करने की संभावना बनती है। लेकिन हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन हमें क्या बोलते हैं, कि नॉर्मली प्राइस जो है ईएमए 21 पर रिस्पेक्ट करके एक अपसाइड मूव दिखाती है। तो अगर हम वेव की एनालिसिस करें और थोड़ा पिछले वेव से हम देखें तो ये एक लास्ट इम्पल्सिव वेव थी और उसके बाद ये करेक्शन हुआ और फिर इस इम्पल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो अगर हम इस वेव को आधार बनाएं और इसके हिसाब से वेव की एनालिसिस करें फिबोनाची एक्सपेंशन टूल का इस्तेमाल करके, तो ये देखिए मैं वेव को मेजर कर रहा हूं और इसे नीचे ला रहा हूं। तो यहां हम क्या देख सकते हैं कि प्राइस ने मल्टीपल टाइम 127.2% एक्सपेंशन लेवल ऑफ लास्ट इंपल्सिव वेव पर एक रेजिस्टेंस लिया। तो ऑब्वियसली पहला टारगेट इस वेव से क्या था, 127.2% एक्सपेंशन का। तो अब ये जब ट्रेंड का रिजम्पशन हो रहा है तो बहुत बड़ी संभावना बनती है कि प्राइस अब 161.8% एक्सपेंशन पे जाएगी, जो टारगेट 4100 से 4150 का निकल के आ रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है, इस लेवल का अगर ब्रेकआउट हो जाता है जिसकी संभावना काफी प्रबल नजर आ रही है, तो ये क्या होगा, ये डबल बॉटम का एक ब्रेकआउट होगा और एक रेंज का ब्रेकआउट होगा जो काफी पुराने समय से ही रेंज बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर मैं इस रेंज के अनुसार टारगेट को निकालने की चेष्टा करूं तो फिर इसका टारगेट आता है 4100 एंड देन 4500। इसका मतलब किसी भी प्रकार से अगर टारगेट को निकालें एशियन पेंट शेयर के, तो एक अपसाइड मूव की संभावना जो है काफी प्रबल होती हुई नजर आ रही है। अब यहां पर देखिए, जब ये कंसोलिडेट कर रहा था इस रेंज में, तो वॉल्यूम को देखें तो एवरेज वॉल्यूम घटता हुआ नजर आ रहा था,
मतलब डाउन साइड में एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन नजर नहीं आ रहा था, जबकि इस स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे वो इसे होल्ड कर रहे थे, इससे ये विदित होता है। अब बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट में ताकि एनालिसिस को आगे बढ़ा सके। यहां पर देखिए एक टिपिकल फॉर्मेशन है, प्राइस का रेजिस्टेंस है, प्राइस का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, प्राइस ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, तो 2600 के आसपास में इसमें एक अच्छा बेस बनता हुआ नजर आया। और उसके बाद में प्राइस ने टिपिकल ये डाउन ट्रेंडिंग जो मूव था, यहाँ पे अकुमुलेशन फेज है जहाँ प्राइस ने रेंज बाउंड ट्रेडिंग की और यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया। अब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे डाउन ट्रेंड के बाद में ये अक्यूमुलेशन फेज जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो है वो बाय करते हुए नजर आ रहे हैं इस स्टॉक को, जो अभी हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा भी कि म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंटली बाय करते हुए नजर आ रहा है इस स्टॉक में, तो यहाँ पर बाइंग आती हुई नजर आई। अब इस जगह पे ध्यान से देखें तो अब प्राइस ये बेहतर होगा, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है प्राइस इसके पास पहुंच के पैराबोलिक राइज करके ब्रेकआउट नहीं देना चाहिए, प्राइस थोड़े दिन तक समय व्यतीत करना चाहिए इसके ऊपर में, और तब जब इसका ब्रेकआउट होगा तब एक अच्छा खासा हेल्दी ब्रेकआउट होगा और प्राइस का एक अपसाइड मूव और अपसाइड मोमेंटम डेवलप होता हुआ नजर आएगा एशियन पेंट के शेयर में। अब बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में ताकि रीसेंट प्राइस एक्शन को हम देख सके। अब डेली प्राइस चार्ट में पहले हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि प्राइस ने यहाँ पर मल्टीपल टॉप का फॉर्मेशन किया और इसका लोएस्ट पॉइंट क्या था, ये यहाँ ब्रेकडाउन हुआ। ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ तो ये अप ट्रेंडिंग मूव के बाद ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में आ गया, मार्केट का स्ट्रक्चर लोअर हाइज एंड लोअर लोस का बनता हुआ चला गया। इस दौरान में क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस दौरान में EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉस अंडर कर लिया, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड बेरिश हो गया। अब यहां पर क्या हुआ, फर्दर EMA 55 ने SMA 144 को क्रॉस अंडर कर दिया, तो यहाँ पर आप देखिए इंटरमीडिएट ट्रेंड बेरिश हो गया और फाइनली डेथ क्रॉस हो गया इसमें, जब EMA 55 ने SMA 200 और SMA 233 को क्रॉस अंडर कर लिया। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट बात क्या है, ये स्लोप जो था लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस का, SMA 144 का स्लोप डाउनवर्ड हो गया, SMA 200 233 का स्लोप डाउनवर्ड हो गया, तो इस स्टॉक में कमजोरी आ गई, कमजोरी आने के बाद ये डाउन ट्रेंड में आ गया, तो हमें चाहिए था एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न। क्या यहाँ पर कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पर मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन है, ट्रिपल बॉटम के फॉर्मेशन के बाद ट्रिपल बॉटम का जो अपेक्स था ये देखिए इसका अपेक्स था, इसका ब्रेकआउट हुआ और ये ब्रेकआउट बहुत क्वालिटी ब्रेकआउट था, पहले ऐसा लग रहा था पैराबोलिक राइज है और पैराबोलिक राइज के बाद ये ब्रेकआउट होगा तो वो हेल्दी ब्रेकआउट नहीं होगा, प्राइस ने कई दिनों तक कंसोलिडेट किया तब जाके ब्रेकआउट हुआ, तो इसने कंफर्म कर दिया रिवर्सल चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट के माध्यम से और इसमें वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ नजर आया कि ये अब ट्रेंड का रिजम्पशन होता हुआ नजर आ रहा है, रिजम्पशन तो नहीं बोलेंगे, ट्रेंड अब चेंज हो रहा है, डाउन ट्रेंड में था अभी तक स्टॉक, अब ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद अब इसका फ्यूचर में मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का रहने की संभावना है, जो विदित भी हो रहा है प्राइस एक्शन के अनुसार। अब ये स्टॉक मार्कअप फेज में आ गया है, यहाँ पे ध्यान से देखें आप तो EMA 21 ने पहले EMA 55 को क्रॉसओवर किया और ब्रेकआउट हो गया रिवर्सल चार्ट पैटर्न का, तो ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड में था तो पहले शॉर्ट टर्म रिवर्सल होगा, उसके बाद क्या हुआ EMA 55 ने SMA 144 को क्रॉसओवर किया तो इंटरमीडिएट ट्रेंड भी बुलिश हो गया और अब तो यहाँ पर गोल्डन क्रॉस भी होता हुआ नजर आ रहा है इस स्टॉक में। ध्यान से देखिए दोस्तों कि यहाँ पर जो ये डाउन वर्ड मूवमेंट में था SMA 144, इसका स्लोप अब अपसाइड टर्न होने लगा है। अगर मैं इसको इस पोर्शन को थोड़ा सा एनलार्ज करके आपको एक्सप्लेन करूं तो आपको और क्लियर नजर आएगा, ये देखिए पहले ये फ्लैट हुआ और फ्लैट होके अपसाइड टर्न होने लगा है, तो
तो जब इस तरह से हम क्रिटिकल चीजों को देखते हैं प्राइस चार्ट पे, तो इसमें रीसेंट टाइम में करीब 2900 के आसपास में जब था ये, तो एंट्री ट्रिगर हो चुकी है। अब ये स्टॉक ऐसा बन गया है कि ट्रेंड को हम राइड कर सकते हैं एंड स्टॉप लॉस को हम ट्रेल कर सकते हैं। जैसा हमने देखा, काफी प्रॉमिसिंग टारगेट निकल के आ रहे हैं, लेकिन टारगेट्स तो जो होते हैं वो मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव होते हैं। बेस्ट स्ट्रेटजी स्टॉक में होती है कि हम ट्रेंड को राइड करें एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं। जैसे जैसे प्राइस स्ट्रक्चर बनता जाए, हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करें ताकि कमाए हुए प्रॉफिट को भी प्रिजर्व कर सकें और साथ में रिस्क को भी मैनेज करते हुए चले जाएं। ये स्टॉक एक बेहतरीन स्टॉक नजर आ रहा है, और लॉन्ग टर्म प्राइस चार्ट पर EMA 21 और वो जो ट्रेंड लाइन हमने खींची थी 2011 से, वो ट्रेंड लाइन आपको मदद कर सकती है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ट्रेंड को राइड करने में एंड स्टॉप लॉस को मैनेज करने में। एक नजर फिर से मंथली चार्ट पे चलते हैं। जो लोग पिरामिड इन्वेस्टिंग करते हैं तो उनको ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने इस जगह पे एंट्री की और यहाँ पर देखिए जब करेक्शन हुआ, अब प्राइस ने इस जगह पे सपोर्ट लिया ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में EMA 21 पे, तो जैसे ही कैंडल EMA 21 के ऊपर में क्लोज हो तो वहां पे क्वांटिटी ऐड की जा सकती है इस स्टॉक में। वैसे पिरामिड इन्वेस्टिंग करते कैसे हैं, इसके ऊपर में ट्यूटोरियल वीडियो आपके चैनल के जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जिसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ढेर सारे लाइक कीजिए, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।